अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अरिंग एंड लर्निंग। दोस्तों आज फिर एक जबरदस्त सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक बड़ा मजे का जबरदस्त स्किल सिखाऊंगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको ये काम इंप्लीमेंट करने के, और उसको यूज करते हुए आप लोग अगर थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है, जितने भी डॉलर आप लोगों ने देखे हैं आप उससे ज्यादा डॉलर कमा सकते हैं अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। शर्त सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की है और वीडियो को समझने की है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को एक स्किलफुल फील करेंगे कि आज आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त स्किल सीखा है। स्किल बहुत ईजी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। देखने में आपको बड़ा मुश्किल से लगेगा, लेकिन जिस टेक्निक से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सिस्टम है। आप लोगों ने सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसमें चेंजिंग करनी है, हर चीज़ आपको बनी बनाई निकाल के दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने बस वीडियो गौर से देखनी है, स्किप नहीं करनी। कोई पॉइंट स्किप करेंगे तो फिर आप बाद में परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। स्किल पहले तो हम सीखेंगे कि काम कैसे होता है, फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि भाईजान काम तो हमने सीख लिया, अब हमने ये करना किधर है। जाहिर सी बात है, कहीं करेंगे तो पैसे मिलेंगे ना, तो वो प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ सारा तरीका शेयर करूंगा कि आप लोगों ने ये काम करना कैसे है और सीखना कैसे है। पहले तो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इस स्किल को सेल करने के, बेचने के तरीके भी आप लोगों को इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग, आपका दोस्त आपका भाई शफीक जाफरी। वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। दोस्तों काम क्या है, पहले काम सुन लें फिर जाके इसको इंप्लीमेंट करते हैं। काम है दोस्तों ब्रोशर डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, मतलब के जो इश्तिहार होते हैं ना, छोटे इश्तिहार होते हैं, उनकी डिजाइनिंग का काम है। इसकी इतनी डिमांड है ऑनलाइन मार्केट के अंदर कि आप लोगों का भी जाकर मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि भाजन इतनी डिमांड भी होती है और इतना एक्सपेंसिव काम है ये। जब आप लोग जाते हैं किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों को कभी कभार वो छोटा मेन्यू ला के देते हैं, कभी कभार बड़ा मेन्यू ला के देते हैं। मेन्यू डिजाइनिंग है, उसके बाद फ्लायर्स हैं, किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के फ्लायर्स वगैरह, हजारों के हिसाब से ऑर्डर्स होते हैं इसके, हजारों के हिसाब से, ठीक है। और इसका काम जो है, डिजाइनिंग का काम जो है, इसको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस समझा जाता है कि भाई जान जिसको एडोब फोटोशॉप पे काम आता होगा शायद वो ये काम कर सकता है, एलुस्ट्रेटर पे जिसको काम आता है शायद वो ये काम कर सकता है। बिल्कुल वो लोग तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तरीका शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग प्रोफेशनल, क्या हाईली प्रोफेशनल ब्रोशर, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, मेन्यू कार्ड, जो जो भी है वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस है, वो आप लोग क्लिक्स के अंदर डिजाइन कर सकते हैं, और इतनी जबरदस्त डिजाइनिंग है कि आप लोग देख के ना मजा आ जाएगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो लास्ट तक देखनी है आप लोगों ने। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि आपने ये स्किल सेल कहां करना है, और ये भी दिखाऊंगा कि स्किल कितने का बिकता है आप लोगों का, ठीक है। मतलब हुनर आ गया तो उस हुनर को बेचना भी है, यूटिलाइज भी करना है भाई, पैसा नहीं कमाना, ठीक हो गया। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सारा प्रोसेस समझते हैं। आप लोगों के सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों पोस्टर माई वॉल, ठीक है। इसकी मैं आपको डोमेन एक बार दिखा देता हूँ, पोस्टर माई वॉल डॉट कॉम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको साइन इन करने का। आप जैसे लॉगिन का यहाँ पे एक बटन होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं या गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं। आप फेसबुक से या गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों, इसके अगर पहले हम होम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, सॉरी यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स में ये हमें बहुत सारे कहता है, ये कहता है जी फ्लायर्स बनाना है, पोस्टर बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, फेसबुक पोस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि व्यू ऑल, यहाँ पे साइजेस के हिसाब से, यहाँ पे थीम्स के हिसाब से, तो हम थीम्स के हिसाब से व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए या ब्राउज बाय थीम चाहिए। फिलहाल हम इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है, इमेजेस चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें बहुत सारी कैटेगरीज बता रहा है कि किस किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप लोग मतलब के डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ठीक है। फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना सकते हैं, डिजिटल सेंस बना सकते हैं, उसके बाद एल्बम कवर्स, लोगोज, मेन्यूज वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि डिजाइन करना तरीका समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको सेल आउट करने का तरीका भी बता दूंगा कि आप लोगों ने सेल आउट कहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें डिमांड के मुताबिक कोई आता है जी, दिवाली के हिसाब से कोई आ जाता है, या उसके बाद कोई हम देख लेते हैं कोई अच्छा सा, हायरिंग के हिसाब से हमने कोई करना है
तो चलो हम इस नाउ वी आर हायरिंग के ऊपर कर रहे थे। तो हायरिंग के ऊपर मैंने देखे क्लिक किया तो इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स खोल के रख दिए हमारे सामने कि जी आप इस तरह का बना सकते हैं। तो हमको सिंपल सा भी फिलहाल क्योंकि आप लोगों को समझाना है, समझाने के हवाले से मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे सामने इस तरह खुल के आ जाएगा और नीचे लिखा आएगा कस्टमाइज टेम्पलेट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज टेम्पलेट के ऊपर, तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसके तमाम हिस्से कर देगा जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे सामने ये ओपन होता है तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि टेम्पलेट जो है वो लोड होने में जाहिर सी बात है टाइम तो लेगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखें सॉरी तबीयत थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है। यहाँ पे आप लोग देखें दोस्तों, इस चीज को भी सेपरेट कर दिया, इस चीज को भी सेपरेट कर दिया, इस चीज को भी और इस चीज को भी और बैकग्राउंड को भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जहाँ चाहते हैं जी कि कोई और शेप आए, ये देखें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और शेप लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बैकग्राउंड में से स्टॉक फोटोज भी उठा सकते हैं, सॉलिड कलर सिंगल कलर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ तो आप लोग अप्लाई करके सिंगल कलर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में आके ट्रांसपेरेंट भी इसको कर सकते हैं, ग्रेडियंट करते हैं जी हम इसके साथ कोई कलर मिक्स करना चाहते हैं, वाइट ही कर देते हैं, चले वाइट ही करना चाहते हैं। तो ये देखें ग्रेडियंट हो गया इसका। हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ना कोई स्टॉक फोटो होनी चाहिए, फोटो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल जॉब्स के हवाले से, जॉब्स। ठीक है, और इसको हम करते हैं सर्च। तो लेट्स सी हमारे पास ये कौन कौन सी, ये देखें डिफरेंट हमारे पास तस्वीरें ये उठा के दिए हैं इसने। ऑफिस जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं सॉरी। तो लेट्स सी के ऑफिस के हवाले से हमें ये कौन से, ये देखें डिफरेंट ऑफिस हैं तो ये उठा के हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि ये चेंज करता है इसको। ठीक है, ये हमें अब हमारे ब्राउचर के साइज से के मुताबिक कह रहा है कि इसको क्रॉप करें आप, हम कहते हैं जी इतने ठीक है साइज। तो आप लोग देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में ना ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग बैकग्राउंड और उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे वी आर हायरिंग की वजह की जगह आप लोग कुछ और लिखना चाहते हैं, डबल क्लिक करें सिंपल यहाँ पे, बैक स्पेस करें तो यहाँ पे आप लोग वी आर ऑफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी है वी आर ऑफरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या एडमिशन ओपन हो सकता है, कुछ भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिशन ओपन, मतलब कि आपकी यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका यूजर चाहता है आप लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। ठीक हो गया, इस तरीके से दोस्तों आप लोग हर किस्म की डिजाइनिंग यहाँ पे इमेज की डिजाइनिंग जो है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट काम है, सिंपल आपने क्लिक करना है और डिजाइन आ जाना है, उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों ने चेंज कर देना है और ओके कर देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखते हैं जी कि कितनी देर में डाउनलोड होता है। ठीक है, क्रिएटिंग योर डिजाइन, पहले ये आपका डिजाइन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये डाउनलोड हो गया, इतनी सी देर लगती है। शुरू में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फ्री वर्जन यूज करें, अगर आप लोग देखते हैं कि जी कि अब जरा काम बढ़ता जा रहा है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं देखते हैं जी कि हमने इसको बेचना किधर है। बहुत ही जबरदस्त और पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि इस वेबसाइट के ऊपर काम कैसे होता है, fiverr.com के ऊपर। ठीक है, fiverr.com के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, पूरे गिग बनाने का तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे काम होता है। आप लोग अब यहाँ के ऊपर आते हैं और जरा सिर्फ एक बार सर्च करते हैं flyer फ्लायर डिजाइन। ठीक है, या बिजनेस फ्लायर डिजाइन, इसके ऊपर हम जरा क्लिक करते हैं और इनका जरा बजट चेक करें जी। ठीक है जी, ये 3000 में एक बना के दे रहा है, ये 2000 में, 2500 में एक बना के दे रहा है, ये 5000 में एक बना के दे रहा है, ये 5000 में एक बना के दे रहा है। ठीक है, अब आप लोग, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के जहन में कोई बात आ रही है कि भाईजान हमें कैसे डिजाइन बनाए, फाइवर पे काम करें, पहले पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आई बटन में भी वीडियो दे रहा हूँ कि फाइवर के ऊपर आप लोगों ने गिग कैसे बनानी है, गिग बना के उसके ऊपर ये सर्विस बेचना शुरू कर दें। शुरू में थोड़ा हो सकता है आप लोगों को कस्टमर ढूंढने में टफ टाइम मिले, कोई मसला नहीं, स्लोली स्लोली ही बंदा हर जगह पे ग्रो करता है। यहाँ पे हम आते हैं, जरा एक ही बंदे को किसी को पकड़ लेते हैं,
लेवल टू सेलर को पकड़ लेते हैं जी, ज्यादा नहीं जाते आगे, लेवल टू सेलर को पकड़ते हैं जी। ये 2500 रुपये में बना के दे रहा है, इसका वन ऑर्डर क्यू में है और 94 ऑर्डर्स इसने एग्जीक्यूट किए हैं और 5 स्टार रैंकिंग के अंदर ये जा रहा है। ठीक है, 94 ऑर्डर्स अगर इसने एग्जीक्यूट किए हैं और इस पैसों के लिहाज से किए हैं, तो जरा हम इसकी देख लेते हैं कि इसने कमाए कितने हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे 94 मल्टीप्लाई बाय 2528, 2528 ये करते हैं, तो ये देख लें 2,37,000 रुपये तो इसने मजाक में कमा लिए ना। ये देखें ये क्या है, इसके अंदर इससे खूबसूरत डिजाइन बनाने के वहां पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इससे तो कई गुना ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ आई, मतलब कि ये बिल्कुल आम सा बंदा मैंने आपको दिखाया है। आप लोग बाकी अगर इसको जरा विजिट करें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई लोग कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। एक जरा हाई लेवल वाले को जरा देख लेते हैं जी, के अमजद साहब इनका नाम है, ये पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे, अमजद साहब टॉप सेलर हैं। ठीक है जी, ये कितना जी, इन्होंने माशाल्लाह 1800 ऑर्डर निकाले हैं, 6 ऑर्डर इनके क्यू में है, तो लेट्स सी के इन्होंने कितना पैसा निकाल लिया यहाँ से। 1800 जरबे 5056, 5056, तो देखें जी माशाल्लाह इन्होंने 5, ओहो, माशाल्लाह 91 लाख रुपीज इन्होंने यहाँ से कमा लिए सिर्फ ब्राउचर डिजाइन करने में। खुदा के बंदे, ये कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, ठीक है, ये आप जैसे और मेरे जैसे ही इंसान है, तो आप लोग भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी गिग अच्छी बनाएं, गिग रैंक करें, रैंक करने का तरीका, गिग बनाने का तरीका सारा समझाया हुआ है, आई बटन में भी वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, वो भी देखें, ये भी देखें, इसके ऊपर काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड वीडियो होगी ये, और काम चल गया तो फिर भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज में भी आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, जो जो भी मुझे तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग मजीद हो सकती है, आसानी से हो सकती है, तो आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।